आपको क्या लगता है जिस तरह से गेम स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है और जिस तरह से ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है सब 11 की कॉपी है? मैं यही कह रही थी कि मेरी इतनी बार बात हुई है तो मैं यही बात बोलती थी कि सब कुछ हमारे ही उससे उठा रहे हैं कि जैसा दीपक है वो गाने गाने की कोशिश करता है, आकाश की तरह थोड़ा फ़नी होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है, दीपिका कक्कड़ है, आई डोंट नो उनको खाने बनाने का शौक़ है कि नहीं है लेकिन वो किचन में ही ज़्यादा नज़र आती हैं, और शिशि रोड़े है वो अपना मतलब वो अलग ही लेवल पे है, वो मतलब मैं नाम नहीं लूँगी उसकी तरह कोशिश करती है बनने की। तो इन लोगों का मुझे अगर पूरा देखा जाए, अगर सीज़न में देखा जाए तो थोड़े बहुत श्रीसंत अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत रोमिल अच्छा लगता है क्योंकि श्रीसंत थोड़ा कंटेंट तो दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे घर जाना है लेकिन वो मज़ेदार चीज़ें कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत पब्लिक को पसंद आया। जब मैंने सीज़न 12 का जब ओपनिंग हुआ था तो सबसे पहले न्यूज़ यही चली थी कि अर्शी खान कौन होगी इस घर के अंदर, मैंने सबसे ज़्यादा यही न्यूज़ देखी थी कि अब सीज़न 12 के अंदर कौन अर्शी खान होगी, लेकिन अर्शी खान तो एक ही है बेबी, वो तो हो ही नहीं सकती, तो अर्शी खान बनने के लिए आपको बहुत एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, सुबह से उठ के जिस वक्त मैं बेड से जैसे ही गाना बजता था और जैसे ही मुझे पता था कि अब हो गई ये सुबह, तो वो मेरा हाथ ऐसे निकल के बाहर आता था कि चलो हो गया अब स्टार्ट, तो वो करना आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है और एंटरटेनमेंट ऐसे ही नहीं आता, उसके अंदर आपको अपना 100% देना पड़ता है। ये लोग तो एक जगह जाकर बैठ जाते हैं, मैं तो एक जगह बैठकर भी लोगों को परेशान करती रहती थी, कुछ ना कुछ कमेंट पास करती रहती थी कि वो लोग परेशान हों मुझसे कुछ बोलें ताकि हमारे बिग बॉस के शो को कुछ कंटेंट तो मिले, ये लोग तो कुछ भी नहीं। इवन आपने देखा होगा कि मुझे अगर कैप्टन झाड़ू लगाने के लिए बोलता था तो मेरा झाड़ू लगाने का स्टाइल बहुत अलग था, मैं नाइटी पहन के नीचे लेट लेट के झाड़ू लगाती थी कि लो कंटेंट लो लो लो, क्योंकि बिग बॉस में आए हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और हमें अगर वो मौका मिला है तो किसी का मौका कट होकर मिला है और ऊपर वाले ने जब आपको वहाँ पर भेजा तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मुझे बर्तन धोने के लिए देते थे तो मैं वो बर्तन को लेकर पूरे घर में ऐसे ऐसे माँजती फिरती थी हर कैमरे के सामने ऐसे करके, तो भैया वो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपसे कहा जाए कि अर्शी कुछ ऐसी चीज़ें अगर बिग बॉस 12 के अंदर आप डाल दें तो मे भी शायद तड़का लग जाए, तो आप क्या क्या चीज़ें डालोगे? सबसे पहला तो उसके अंदर रिश्ते की कमी है बहुत ज़्यादा, जो अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए, रिश्ता बनना चाहिए, उसमें लड़ाइयाँ भी बहुत होना चाहिए, उसमें मतलब जोक्स होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरा जब शिल्पा के साथ रिश्ता था हम दोनों घर के अंदर भागते ही फिरते थे, जैसे मैं वो खाना बनाती रहती थी तो मैं उसको इशारा करती थी चंडिका चंडिका, वो कहती कि आ गई आ गई आ गई, तो मतलब वो अलग ही वो पब्लिक को पसंद आता था, वो उस चीज़ की कमी है। दूसरा ये है कि लड़ाई अगर आपकी किसी से हो गई है तो उसको उस टाइम स्टॉप नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो चीज़ आपको बुरी लगना चाहिए, आपको स्टैंड लेना है कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला है क्यों बोला। जब तक वो बंदा हार थक के 100 बार आपसे माफ़ी ना मांग ले तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो खेल ही ऐसा है, आपको उसको युद्ध में कन्वर्ट कर दो, कमी है वो खेल है। मैंने इवन सलमान साहब से भी ये चीज़ बोली थी कि देखिए ये खेल है और इसे खेलना पड़ेगा, इसमें चाहे रिश्ता हो या कुछ भी हो लेकिन अगर बात आती है तो आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको एंटरटेनमेंट भी देना पड़ेगा और अगर आप कहीं गलत हैं तो आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तो ये चीज़ की बहुत कमी है। क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी का ग्रुप बन जाता है तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी कॉमनर्स उन पे भारी पड़ गए थे, जितने भी कॉमनर्स थे उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को फुल टक्कर दिए, तो इस टाइम में क्या है हो सकता है वो लोग भी अपने ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया हम सेलिब्रिटी और कॉमनर्स मिलके एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बोर्ड बनाए, लेट्स सी।